पति पत्नी के आपसी कलह में विषपान से 33 वर्षीय युवक देवेश कुमार राय की मौत का मामला सामने आया है। घटना मधुपुर थाना क्षेत्र के नया बाजार की है। बताया जाता है कि देवेश की शादी 22 जून 2019 को कौरो थाना क्षेत्र के डिंडा कोली गांव में हुआ था। शादी के बाद से ही पति और पत्नी के बीच विवाद चला आ रहा था। गत गुरुवार को मृतक देवेश के सास और ससुर अपने पुत्री के घर आया था और दोनों परिवार के बीच कहासुनी हुई थी। इसी दौरान देवेश के विषपान की घटना हुई। विषपान के बाद आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें बोकारो ले जाने के दौरान धनबाद के करीब रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके सास और ससुर ने उसके बेटे को जहर खिलाकर मार दिया। वहीं देवेश की पत्नी भारती कुमारी ने बताया कि दहेज की रकम की मांग को लेकर कहासुनी होती थी। पूरा मामला पैसे से जुड़ा है। हालांकि इस मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है। हमारे साथ छोटे सास ससुर आया और हमको सबसे पहले उसकी सास ढकेल के गिराई, हमारे ऊपर चढ़ गई, हम तो बेहोश हो गए। उसके बाद वो सास ससुर गाली देते कि हम छोटे को मारने आए हैं, छोटे को मार के अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। 22 जून शादी हुआ था और उस यहाँ आने के 8 दिन बाद से यही दहेज के लिए और कोई चीज के लिए नहीं कि पिताजी को अब सो शादी जैसे तैसे तो करवा दिए तुम्हारे पापा, जबकि पापा कोई दोष नहीं था इसमें, और तब करवा दिए तो अब जो सिस्टम है उसमें अगर वो आएंगे तो सब ठीक होगा, नहीं तो तुम यही घुट घुट के रहो। बस यही यार, हर समय पैसा का हुआ था। हम चले गए थे बीच में, फिर हम तो आए नहीं। अब फिर वो लाने गए तो हम फिर आए दोबारा, अब फिर वही रोज रोज एक ही तमाशा 5 दिन में, यही पैसा पैसा और कोई झगड़ा ही नहीं दूसरा। ना हमको खाने का भी कष्ट हुआ है, ना पीने कष्ट हुआ है, ना किसी और से उनको कोई झगड़ा है, किसी से भी नहीं। बस यही पैसा लेके हर बार झगड़ा हुआ है। परसों भी जो झगड़ा हुआ है 8.5 लाख रुपये लेके झगड़ा हुआ। अनुमंडल हॉस्पिटल गया तो वहाँ छोटे जो कि अब नहीं है वो बोला कि हमको इसका बाप और इसकी माँ दोनों मिल करके पकड़ा और इसकी पत्नी पकड़ा और इसकी माँ ने सरफाज की गोली खिलाया है, और क्या चीज़ का गोली था वो नहीं पता, लेकिन सरफाज की गोली बोला है खिलाया है, और वो इतना ही बोला इस तरह से। उसका मोबाइल में सुसाइड नोट भी है, किसी को व्हाट्सएप में भेजा है, हमको नहीं पता है, लॉक है अभी। उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया, पुलिस अपने अनुसार पूरा इन्वेस्टिगेशन करे और न्याय करे हमारे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे माँ पिताजी के साथ। यह लव मैरिज है, इसमें किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। एक इसको पकड़ कर रखा था देवघर में,